गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप सब जानते हैं, नो योर एग्जाम ट्रेंड नाम की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें हम एक सब्जेक्ट जो है साइंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसकी 10 वीडियोज हम डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। और नेक्स्ट जो हम आपके लिए सब्जेक्ट लेके आए हैं, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की भी ऑलरेडी हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, उसमें थर्ड वीडियो है हमारे 10 क्वेश्चंस की, जिसमें हम पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स। तो आपको पता है कि आपके पेनिनसुलर जो इंडिया है, उसके दोनों ही कोस्ट के अराउंड जो है आपके हिल्स हैं, राइट। तो इधर हैं आपके वेस्टर्न घाट्स और इधर हैं ईस्टर्न घाट्स। तो इसमें जो ईस्टर्न घाट्स हैं, इसकी हाईएस्ट पीक के बारे में पूछा गया है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है अगेन, इसका जो सही आंसर है दैट इज बी, आर्माकोंडा, राइट। तो बी इज द राइट ऑप्शन, आर्माकोंडा, जिसको सीमा कोंडा भी बोला जाता है या सीतामा कोंडा भी बोला जाता है। ये रहे आपके ईस्टर्न घाट्स, जो हिल्स हैं आपकी जो डिसकॉन्टिन्यूस हैं देन वेस्टर्न घाट्स। ये फैक्चुअल पार्ट है, लेकिन अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आया इसमें ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स को लेके। फैक्चुअल क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, अगर आप देखो तो। आर्माकोंडा और सीतामाकोंडा इज ए माउंटेन पीक इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड लोकेटेड इन गोदावरी रिवर बेसिन एट 1690 मीटर्स। तो ये पीक है और आंध्र प्रदेश में पड़ती है गोदावरी रिवर बेसिन में। तो बी, आर्माकोंडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज खेतरी has rich deposits of, जो खेतरी माइंस हैं आपकी राजस्थान में, वहां पे किस चीज के रिच डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, अगेन आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी से फैक्चुअल क्वेश्चन, कॉपर। जो कॉपर माइंस हैं आपकी राजस्थान में पाई जाती हैं, खेतरी, अलवर और उदयपुर में। तो कॉपर इज द राइट आंसर। ये है आपका इंडिया का मैप, जिसमें ये रही आपकी खेतरी माइंस, जहां से कॉपर मिलता था आपका। इवन के इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका जिक्र किया गया है, यहाँ से वो लेते थे। नेक्स्ट इज योर अलवर, थर्ड इज योर उदयपुर, पूरा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, जो डॉट है दैट दिस इज उदयपुर यहाँ पे। ये तीनों ही एरियाज जो हैं कॉपर माइंस के लिए फेमस है। उसके बाद ये जो है कटनी, अमरकंटक, अमरकंटक ए आना था यहाँ पे, और कोरापुत, ये तीनों ही बॉक्साइट के लिए फेमस है, जिससे आपका एल्यूमिनियम बनता है। ऐसे रत्नागिरी, मार्मागो, कुट्रेमुख, ये सब जो है आपकी आयरन और डिपॉजिट्स के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। तो अगर हम कॉपर के देखें तो खेतरी, अलवर एंड उदयपुर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49th पैरेलल इज एसोसिएटेड विद व्हाट। इनमें से किससे एसोसिएटेड है आपकी 49th पैरेलल। तो 49th पैरेलल जो है आपका, यहाँ पे बात हो रही है 49 डिग्री लैटिट्यूड की। और जो ये 49 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसको 49th पैरेलल बोल रहे हैं, ये आपका कनाडा और यूएसए की कुछ स्टेट्स की बाउंड्री भी बनाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज बी, कनाडा एंड यूएसए। तो ये है आपका कनाडा और नीचे है आपका यूएसए। तो यूएसए की कुछ स्टेट जैसे वाशिंगटन, एडाहो, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा एंड मिनेसोटा, ये जो है साउथ में है। और उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा एंड मैनिटोबा, ये सब जो है नॉर्दर्न, नॉर्थ में है, इसके यहाँ पे पड़ता है कनाडा की ये स्टेट्स, राइट। और यहाँ पे जो प्रोविंसेस हैं, ये जो साउथ में प्रोविंसेस हैं 49 पैरेलल के, ये हैं यूएस की। तो अप टू लिमिट ये जो है यूएसए और आपके कनाडा की बाउंड्री जो है, नेचुरल जो बॉर्डर है वो बनाता है, दिस इज योर 49th पैरेलल। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज लेना रिवर ऑफ रशिया एम्प्टीज इन, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से। जो लेना रिवर है आपकी रशिया की, वो कहां पे जाके गिरती है, कौन से सी में अपना जो है डेल्टा जो है बनाती है। तो लेक बैकाल तो ऑब्वियसली नहीं है इसका आंसर, इन तीनों सीज में सही था। और इसमें जो सही आंसर है दैट इज ए, लैप्टिव सी। तो लैप्टिव सी जो है आर्कटिक ओशन इसके ऊपर है, तो उस वहां पे लैप्टिव सी में जो है लेना रिवर अपना डेल्टा बनाती है। तो ए ऑप्शन इज राइट, दिस इज योर लेना रिवर इन रशिया, दिस इज योर लेना डेल्टा, और जो ये सी है इसका नाम है लैप्टिव सी, राइट। ऊपर है आपका आर्कटिक ओशन, तो लार्ज डेल्टा बनता है विच एक्सटेंड्स 100 किलोमीटर इन द लैप्टिव सी एंड इज अबाउट 400 किलोमीटर वाइड। जो ये आपको बर्ड फुट डेल्टा यहाँ पे बना दिख रहा है, इसकी जो शेप है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज बैरन फॉल्स आर एसोसिएटेड विद विच स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जो आपकी बैरन फॉल्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के किस स्ट्रक्चरल डिवीजन से, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से।
थोड़ा एंटिसिपेटेड नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको अच्छे से देखना पड़ेगा, कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट आपको जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, चाहे वो माउंटेन्स हों, स्ट्रेट्स हों, इस्थमस हों, किसी भी तरह के इन सब फीचर्स को, आपके डेल्टाज हों, मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हों, उनको जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो बैरन फॉल्स कैसे पूछ लिया आपका ऑस्ट्रेलिया से, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ईस्टर्न हाईलैंड, जो आपकी क्वींसलैंड जो आपकी प्रोविंस है ऑस्ट्रेलिया की, जो ईस्टर्न हाईलैंड्स पे पड़ती है, ईस्टर्न साइड पे पड़ती है, वहां पे आपका बैरन फॉल लाई करता है, राइट। तो दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ क्वींसलैंड में आता है आपका ये एरिया क्वींसलैंड, और यहाँ पे पड़ता है आपका बैरन फॉल्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ऊपर है, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनिपेग इन कनाडा इज फेमस फॉर, अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी से आपका है, जो प्लस वन और प्लस टू दोनों की जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक्स हैं आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इंडिया से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और वर्ल्ड तो आप देख ही रहे हो कि कितने ज्यादा आ रहे हैं। तो विनिपेग जो है कनाडा में किसके लिए फेमस है, इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज सॉफ्टवुड कलेक्शन। इसमें भी ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी था, क्योंकि क्या है कि इसका जो आंसर है कुछ हद तक डी भी बन सकता था, क्योंकि सॉफ्टवुड कलेक्शन जो पेपर और पल्प इंडस्ट्री जिस चीज को केटर करती है वो अगेन आपका न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री है। लेकिन फिर भी अगर हम बेस्ट सुटेबल आंसर जिसको कहते हैं कि हमें हमेशा देखना चाहिए और आपकी की भी जिसे सही बोलती है, तो उसका जो सही आंसर है दैट इज बी सॉफ्टवुड कलेक्शन, जो पेपर और पल्प इंडस्ट्री है आपकी यूएस में या कनाडा की अदर प्रोविंसेस में उसको केटर करती है यहाँ से। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज बी सॉफ्टवुड कलेक्शन। विनिपेग इज इन द मैनिटोबा प्रोविंस ऑफ कनाडा, जो हमने अभी देखी थी जो 49 पैरल के बिल्कुल ऊपर थी। तो यूएस की भी जो प्रोविंसेस है जहाँ पे सॉफ्टवुड इंडस्ट्री जो मतलब जिसको केटर करती है, लाइक आपकी मैंने बताया कि पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज जहाँ पे यूज होती है, तो वो उसके पास ही लाई करती है, मैनिटोबा प्रोविंस ऑफ कनाडा एंड फेमस फॉर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, सो सॉफ्टवुड कलेक्शन। नेक्स्ट इज विच थ्योरी स्लैश कंसेप्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ मॉनसून स्टेट्स दैट द मॉनसून्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिस। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा कि मुझे लगा, तो इसका सही आंसर जो आप सभी जान लें दैट इज थर्मल कंसेप्ट ऑफ हेली। हेली के आपका जो लैंड है और आपका जो सी है, इनकी स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस होता है, तो डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से ही जो आपकी हवाएं हैं चलती हैं, जिसको लोकल विंड्स के केस में भी हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बोलते हैं, लेकिन बड़े मैक्रो व्यू पे देखें तो हमारा मानसून भी एक उसी का ही रिजल्ट माना जाता है। तो बी ऑप्शन जो है थर्मल कंसेप्ट ऑफ हेली इज द राइट आंसर। जैसे ये आपका इंडिया है, आपको पता है कि आपके जो मानसून विंड्स हैं वो इस जगह से यूं आती हैं, और इसकी एक ये अरेबियन ब्रांच और एक ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो इधर को चल जाती है, और ये बाद में दोनों ही नदन प्लेन्स में मीट भी करती है, राइट। तो इस कंसेप्ट में यही है कि जब आपका ITCZ है जो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है आपका गर्मियों में, राइट, तो यहाँ पे हीट ज्यादा होने की वजह से ये जो पार्ट है हीट हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया क्योंकि सन की मूवमेंट नॉर्थवर्ड हुई, ITCZ यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और जो नीचे वाला एरिया है आपका सदर्न हेमिस्फेयर वो ठंडा है, हाई प्रेशर एरिया है, तो लो प्रेशर यहाँ पे बन गया हाई टेम्परेचर की वजह से, डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से। तो आपकी हाई प्रेशर वाले एरिया से हवाएं जो हैं आपकी इंडिया की तरफ इक्वेटर को क्रॉस करके आई, तो दिस इज योर थर्मल कंसेप्ट ऑफ हेले। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया फ्रॉम हाई टू लो इन टर्म्स ऑफ परसेंट शेयर इन टोटल एरिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको जरूर पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ सॉइल्स पाई जाती हैं और उन सॉइल्स की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या उसकी न्यूट्रिएंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसमें किसका शेयर ज्यादा है किसका कम है। वैसे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आपको भी पता है हमारे यहाँ पे एलोवियल सॉइल पाई जाती है जो हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में सबसे ज्यादा है, राइट। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपकी ब्लैक सॉइल, देन इज योर रेड सॉइल, थर्ड पे है ऑब्वियसली लेटराइट, एंड फोर्थ पे है आपकी डेजर्ट सॉइल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए ही बन रहा है, ए बी सी डी, क्योंकि ब्लैक सॉइल सेकंड पे है, फिर आपकी रेड सॉइल है, थर्ड इज योर लेटराइट या फिर ब्रिक सॉइल जिसको बोलते हैं, एंड थर्ड इज योर डेजर्ट या फिर एरिड सॉइल जो आपकी वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है इंडिया में, जो आपका डेजर्ट वाला एरिया है, हॉट डेजर्ट एरिया है। तो ए बी सी डी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। एलोवियल सॉइल इज लार्जेस्ट कवरिंग 45% एरिया, ये आपका सारा एलोवियल है। उसके बाद दिस इज योर ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, दिस इज योर लेटराइट सॉइल, ठीक है, और फिर ये कुछ पार्ट वाला, ये वाला जो है आपका एरिड सॉइल है। लास्टली ये जो आपको पर्पल यहाँ पे
कलर का दिख रहा है, ब्लूइश कलर का, दिस इज योर फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल जो आपके हाई रीचेज में मिलते हैं, राइट। तो ऑप्शन है ए बी सी डी। एलोविल इज 45%, ब्लैक होल सेकेंड 16%, देन रॉयल सॉइल थर्ड इज 10%, एंड बाकी अलग अलग सॉइल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। अगेन इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी से आया हुआ सवाल है, इंडिया के अंदर कौन सा जो ट्राइबल ग्रुप है लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस भील्स जो है आपके ए ऑप्शन, ये दीज आर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, राइट। तो भील इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग 38% ऑफ टोटल एसटी पॉपुलेशन, याद रखिएगा 38% जो है, ऑलमोस्ट 40% के आसपास पॉपुलेशन है। गोंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब विद पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 35%। तो सेंट्रल इंडिया में ये पाई जाती है अलग अलग स्टेट्स में, जो भील है आपकी 38% टोटल एसटी पॉपुलेशन है, और 645 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी जहां पे एसटी पॉपुलेशन पाई जाती है। और इंडिया के अंदर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ सिर्फ चार ही ऐसी जगहें हैं, दो स्टेट्स और दो यूटीज, जहां पे आपकी एसटी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती। अगेन हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली, और उसके अलावा सभी में आपकी जो है एसटी पॉपुलेशन स्टेट्स में और यूटीज में पाई जाती है। तो भील जो है वो लार्जेस्ट आपका ट्राइबल ग्रुप है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। ये चारों ही जो यहाँ पे दिए गए हैं ये आपके प्री मानसून शार्स हैं, जो प्री मानसून से पहले जो बारिशें होती हैं आपकी। तो जो फर्स्ट है काल बैसाखी, राइट इज राइट है, सही है। मैंगो शार्स कर्नाटका भी बिल्कुल सही है। ब्लॉसम शार जिसको चेरी ब्लॉसम शार्स भी बोलते हैं केरला के, या कॉफी शार्स भी बोलते हैं, ये भी सही है। लेकिन नॉर्वेस्टर हरियाणा, दिस इज रॉन्ग। नॉर्वेस्टर जो है अगेन आपका ईस्टर्न एरियाज में, ओडिशा में जो प्री मानसून शार्स हैं उसको नॉर्वेस्टर बोला जाता है। तो डी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है अगेन, तो डी जो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नॉर्वेस्टर इज पार्ट ऑफ ओडिशा। ऐसे ही आपका बारडोली चीड़ा, वो भी आपका एक प्री मानसून शावर है जो असम में आता है। तो बाकी सही है, डी जो है वो गलत है, राइट। तो डी ऑप्शन जो है नॉर्वेस्टर, दिस इज ओडिशा। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन थर्ड वीडियो के। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए, फॉलो करते रहिए वीडियोस को, क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।